पर शुरू करते हैं। तो कैसे यार आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अभी अहमद भाई मुझे तंग कर रहे हैं, अभी सीन ही है तो रुको जरा, सब्र करो। आज बताओ, आज फिर हमारे वो आज हमारे घर मेहमान मेहमान आ रहे हैं, तो उनकी ये दावत हमने की हुई है, ठीक है। अब जरूरी हम उनको ना, मतलब ये है कि यार कॉन्फिडेंशियल है ना, दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो ये है, एक तो ये है कि कैमरा शाय है, दूसरा ये है कि यार वो ना मतलब आना नहीं चाहते व्लॉग में। इसी तरह अहमद भाई, तो कोई कोई आना चाहता है यार, जो आता है हम उसे व्लॉग में ले लेते हैं। तो अभी हर किसी की अपनी मर्जी होती है। बिल्कुल, अभी सीन ये है कि हम जा रहे हैं बाहर कढ़ाई लेने के लिए, क्योंकि यार मैं नहीं जा रहा, मुझे ज्यादा सर्दी लग जाए। उज़ैफा भाई और सम भाई और अहमद अभी नमाज पढ़ रहे हैं। भाई ले तो कभी पढ़ना ही नहीं होता, ठीक है, उनकी पढ़ाई माफ हो चुकी है। अच्छा, अभी ये अपनी चावल बना रही है और भाई से बाहर से कढ़ाई लेके आनी है, कढ़ाई लाते हैं और फिर जब पापा की एंट्री भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह वहां जाके मिलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो ये देखिए आ रही है, उनकी गाड़ी खड़ी हुई है इधर, ठीक है। और ये समी भाई इधर है, समी भाई रेडी हैं, चलें फिर। 5 मिनट से बैठा हूँ, आप आई नहीं रहे। पढ़ना तो आपने ऐसे भी लिया, तो मैंने कहा चलो आप वो किसी काम पे लेके चलते हैं। ये देखें इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, और अभी स्टार्ट भी मैंने की थी थोड़ी देर पहले, तो अभी चलते हैं फिर आपको इंशाल्लाह वहाँ जाके मिलते हैं। लेट है गाइस, अभी बाजार के अंदर आ गए हैं और ये देख सकते हो ज़ैफा भाई बाइक चला रहे हैं, और तो अभी हम पहुँचे हैं सीधा उसके पास, कढ़ाई वाले के पास, और वहाँ जाके आप लोगों को मिलते हैं। तो ये देखिए यार, फाइनली हम पहुंच चुके हैं इधर यासर टिक्का पॉइंट के ऊपर, और ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे सीखें वगैरह लग रही हैं, और ये इधर कढ़ाई वगैरह बन रही है, बाकी इधर ये देखें दुमचियाँ वगैरह भी तैयार हो रही हैं। तो अभी जाते हैं और लेते हैं यहाँ से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये भी ज़ैफा भाई गए हैं ऑर्डर देने के लिए, और आधा किलो सिर्फ कढ़ाई बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी। और ये देख सकते हैं आप लोग कितने मज़े से ये बन रही है, और यहाँ अंकल एक और कढ़ाई बना रहे हैं, तो अभी ऑर्डर देते हैं और फिर अपनी कढ़ाई घर लेके जाते हैं। तो ये देखिए आ रही है इधर लगाई हुई है, सही है, एक हमारी भी तैयार हो रही है, बाकी एक कोई मक्खी कढ़ाई हुई है, और ये बाकी देखिए यहाँ पे वगैरह उसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर वगैरह, दूसरा यहाँ पर ये चक्कर ये लगा रहे हैं सीखे वगैरह, ये कुछ बन चुकी हैं और ये बाकी बन रही है, सीन लगा रहे हैं। 2000 years later. हमारी वाली किधर है, तैयार हुई है कि नहीं हुई, और ये सभी भाई इधर बैठे हैं, खड़े हैं, बल्कि इंतजार कर रहे हैं, बन रही है, बस चलते हैं। सही है, 1 hour later. चेक कर सकते हैं अंकल सही प्रोफेशनल तरीके से कढ़ाई बना रहे हैं, और ये बन गई है, और ये अंकल लेके चले गए, और अब ये सर्व हो जाएगी, और अभी यहाँ पर एक और कढ़ाई अंकल रखेंगे और साथ साथ कढ़ाइयाँ बनाते जाएंगे, एक मतलब एक टाइम में अंकल 3 या 2-3 कढ़ाइयाँ बना लेते हैं। और ये देख सकते हैं ज़ैफा भाई ले गया आगे। तो यार ये देखिए, ये मामा ने दाल बनाई है आज, ठीक है, उसके अलावा एक यहाँ पे बन रहे हैं चावल, मटर वाले चावल बन रही है, चेक करें ये, ठीक है। अभी इसके अंदर मामा ने चावल डालने हैं, बाकी इसका सारा ना वो तैयार हो चुका है, और दूसरा यहाँ पे मामा धनिया जरा वो सही कर रही है, ये चेक करें, मामा ने चटनी बनानी है। और दूसरा ये है कि ये देखें चावल वगैरह ये रखे हुए भिगो के, और बाकी ये सैलेड के लिए ना सारी ये वो सब्जियां वगैरह रखी हुई। लेट है फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई लेके हम वापस आ गए हैं। तो अभी सीन ये है कि मामा ने वो बना ली है, दाल बना ली है, दूसरा कढ़ाई हम ले हैं, और तीसरा ये है कि मामा भी चावल भी बना रही हैं। अभी देखते हैं कि यार क्या सीन बनता है, इंशाल्लाह ताला जल्दी से वो मतलब आ जाएँ, उसके अलावा इंशाल्लाह सर फिर दावत रेडी करते हैं, बिल्कुल मतलब कि ना दस्तरखान वगैरह पे लगा के और सब कुछ। तो इंशाल्लाह ताला जब वो आएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई किस किस तरह हम चीज़ें वगैरह रखी हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला आपको खाने का रिव्यू करके बताएंगे भाई खाना किस तरह का बना है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी सीन ये है कि असाइनमेंट वगैरह मैं बना रहा हूँ अपने दोस्तों की, और अपनी भी बनानी है मैंने, तो अभी शुरू करते हैं असाइनमेंट वगैरह। और सही इधर फुल माहौल शॉल बना हुआ है, चेक कर सकते हैं आप लोग, लाइटें वगैरह मैंने बंद कर दी, बाकी नीचे इधर ये बिछा हुआ है सारा। समी भाई एंट्री पकड़ा दें यार, अभी असाइनमेंट शुरू करते हैं और फिर उनको बेचते हैं यार जल्दी से, इतने में मेहमान भी आने वाले हैं। 1 hour later, यहाँ पे ये भी सारा सीन हो गया, देखिए चावल वगैरह हमारे बन गए, ये देखिए हल्के से बस दिखा दूँ आप लोगों को,
और उसके अलावा ये सालन वगैरह और ये देखें ये सारी ना इधर बोतलें वगैरह सारी सेटिंग वगैरह हो गई है। और अभी इधर समी भाई चलें फिर लेने के लिए वो रोटियाँ, चलें मैं रोटियां लेके आता हूँ फिर इंशाल्लाह ताला ये सब लगाते हैं। बारह नान ले लिए और ये समी भाई इधर आए सर्दी के अंदर ज़्यादा फन्ने खान बन के आए हुए हैं। हाँ जी ले लो इसको, चलो ये देखें जानबूझ के फन्ने खान बन के आए, इधर पता लगे मुझे सर्दी नहीं लग रही, स्टील बॉडी बन ना कर अभी जुकाम लगा है वैसे ही इसको। अभी चलते हैं उधर उधर आगे घर की तरफ और सुनसान हो रही है तकरीबन गलियाँ, देखें कोई भी नहीं है इतनी ज़्यादा मखलूक। 2000 years later. तो गाइस ये देखें यार अभी खाते हैं और मेहमान वगैरह सब चले गए, वीडियो बनाई नहीं याद नहीं रहा। और ये चावल हैं और ये चटनी, ये सैलड, बाकी नान वगैरह रखे हैं तो अभी खाते हैं और फिर मजे करते हैं। 2000 years later. यार असल में असाइनमेंट में करने के लिए बैठा था और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि यार वीडियो वगैरह बनानी है, या अहमद भाई पीछे गेम वगैरह खेल रहे हैं तो मैंने बिल्कुल भी मतलब कि ना टाइम ही नहीं मिला यार बनाने का। तो दोस्तों के असाइनमेंट बनानी थी, अपनी बनानी थी, आज लास्ट डेट है तो इस वजह से ना वो असाइनमेंट वगैरह बना दें तो टाइम ही नहीं मिला। तो अभी यह है कि अभी खाते हैं और फिर टेस्ट करके देखते हैं कि भाई किस तरह की बनी। गुड मॉर्निंग यार, अभी सुबह सुबह का टाइम है ठीक है और तकरीबन टाइम हो रहा है 8:45, तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ यूनिवर्सिटी के लिए जाने के लिए। तो अभी देखें यूनिवर्सिटी जाते हैं जल्दी से वहाँ पर और देखते हैं कि क्या सीन्स वगैरह हैं और इंशाल्लाह एक दो काम हैं वो भी करने हैं तो चलते हैं अभी यूनिवर्सिटी, फिर आपको इंशाल्लाह तरह यूनिवर्सिटी जाके मिलते हैं। 2 hours later. खत्म होगी यार अभी धूप वगैरह हम इधर सेक रहे हैं बैठ के और ये बिलाल को देखें गुस्से में, ज़्यादा लोगों से गुस्से में बात कर रहा है, जल्दी हो इधर कह रहा है, टाइम ज़ाया नहीं करना बिल्कुल भी। और ये देखिए यूनिवर्सिटी में आज ना कम हुआ हमारी, ये ज़्यादा नहीं आई, ये सारे खड़े हुए यार और कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, बस हम भी चलते हैं बाहर मदीना चाय शाय पीने के लिए, अभी इधर बैठे हुए थे हम। और ये बिलाल साहब गुस्सा कर रहे हैं, बिलाल गुस्सा ना करो यार, अपने कैमरे से खींच रहे नजर नहीं आ रहा। 1 hour later. अभी हमने ज्यादा लोगों को छोड़ दिया यहाँ पे मंडी मोड़, ये बिलाल भाई भी हमारे साथ आए थे तो अभी लोग जा रहे हैं अपने गांव जा रहे हैं। सही है ज्यादा भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। अभी हम चलते हैं बस घर की तरफ। 2 hours later. यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मा है, मेरी तरफ से आपको सबको जुम्मा मुबारक हो ठीक है। अभी समी भाई तो रेडी हो गए, बस मैंने वजू कर रहे हैं और इतर वगैरह गानी रेडी हो जाना है। अभी मैं घर आया ही था थोड़ी देर पहले तो एक सब्सक्राइबर आए थे, उन्होंने हमें बल्कि ये दिया है देखें मुल्तानी सोन हलवा, तो उनका दिल से थैंक यू सो मच। समी भाई आप क्या कहेंगे उनको? मैं भी कहूँगा बहुत, दिखाएं जरा अंदर से भी दिखा दें कैसा है, ये चेक करें आप लोग। अभी मैंने थोड़ा सा खा के चेक किया है, फुल जिस तरह होता है ना जूसी किस्म का वो है, और आप भी खा के बता दो, बहुत हैवी किस्म के यार। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मतलब कि गिफ्ट दिया, और इसी तरह यार जल्दी से सपोर्ट दिखाते रहे हमें ताकि हमारे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स हों। और अभी ये समी भाई इधर खोल रहे हैं और आपको देख के बताते हैं कि भाई ये किस तरह का है, चेक करें, थोड़ा सा लेना थोड़ा सा मुझे भी दे दो, मैं भी इधर आपको बताता हूँ भाई किस तरह का। वैसे तो हमने खाया है मुल्तानी सोन हलवा, मज़ेदार मज़ेदार बहुत जूसी है, मज़ेदार और ना जिस तरह टेक्सचर होते हैं ना इसका बहुत हैवी किस्म का बना है। तो अभी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं जुमे की, तो फिर आपसे जुमे की नमाज के बाद मिलते हैं। A few moments later. यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए जुमे के लिए, तो अभी जल्दी से चलते हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, फिर इंशाल्लाह ताला जुमे की नमाज पढ़ के आते हैं तो खाना वगैरह मम्मा रेडी कर रही है तो फिर इंशाल्लाह ताला खाना वगैरह खाएंगे। Later. ये देखें फाइनली आ गए चावल वगैरह और ये जो दाल रखी हुई है चटनी वगैरह और नान और रोटियाँ भी अहमद भाई ले आए, कैसे बनी है फिर दाल, अच्छी है ना? और समी भाई आप मज़ेदार है, चने भी खाते हैं इसको जल्दी से। 1 hour later. यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ हम पढ़ के आ गए हैं और जिन भाई ने हमें जिन सब्सक्राइबर ने मतलब हमें ना जो ये हलवा दिया है तो उनका दिल से थैंक यू सो मच, और उनका नाम कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि उन्होंने कहा था कि यार नाम वगैरह नहीं है, तो उन जिनका है ना उनको पता है उनका यार दिल से थैंक यू सो मच। घर वालों सबको पसंद है, समी भाई को भी पसंद है, मामा को भी, आप ही को भी, पापा को भी, और अहमद को तो पसंद आया ही है क्योंकि उसका फेवरेट है। तो सीन ये है कि यार आपका दिल से एक बार दोबारा ना थैंक यू सो मच। और जो दावत वगैरह हमने की थी यार वो मतलब इतनी ग्रैंड दावत नहीं थी, बस ये था कि मतलब कि ना वो उधर से आए थे गांव वगैरह से आए थे ना, तो छोटा थोड़ा बहुत जो हमसे हुआ ना हमने वही किया, वरना जो इंशाल्लाह तरह ग्रैंड दावत होगी उसको तो हैवी किस्म की चीज़ें सही बनाती है ना मामा। तो अभी सीन ये है कि यार अभी लेके ज़रा बैठते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे इंशाल्लाह ताला फाइनल्स शुरू हो रहे हैं 12 जनवरी से या 14 जनवरी से, तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं। 2000 years later.
अलहमदुलिल्लाह ईशा की नमाज भी हम पढ़ के आ गए हैं। ठीक है, आज के व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को मस्त लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहें, जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स करें ताकि हम और भी अच्छे किस्म के ना व्लॉग्स लाएँ या प्रैंक्स वगैरह जो भी आप लोग कहेंगे। तो भाई को दो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।